सावन की मीठी रातों में सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले पर सातों में जब छेड़े सखियां बातों में तेरी से नहीं पाऊं जुदाइयां वे तेरी से नहीं पाऊं रह जाती हूँ कुछ न कैसे शर्माती हूँ दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ कुछ न कैसे शर्माती हूँ सारी बातें सुन लेती हूँ सारी बातें सुन लेती हूँ आधी बातें कह जाती हूँ खुशबू नहीं मिलती कलियों में कोई रंग नहीं रंग रलियों में कामों की सुनी कलियों में तेरी सह नहीं पाऊं जुदाइयां वे दिना की बात सखी वो श्याम लला मेरे घर आयो मैंने समझो ब्रज को सखा तो जल्दी से घूमट सर आयो इतने में वो चलो गया एक सखी ने मोहे आन बतायो आग लगे मेरी घूमट में अखियां भर श्याम बन देख न पायो ए प्यारे मथुरा में काना ने जन्म लयो महाराज रचो वृंदावन में इस बदल शिव ने देखो वो खूब जचो वृंदावन में लख तीनों लोक चकित रह गए जो वृंदावन में जा दिन ते महना श्याम गयो अब कहा बचो वृंदावन में अपना दुखड़ा कह नहीं सकती अपना दुखड़ा कह नहीं सकती और जुदा कच्चे घड़े पे बह नहीं सकती कच्चे घड़े पे बह नहीं सकती बैठ किनारे रह नहीं सकती मैं बहन के पायल पांवों में और रस्ता में देखूं राहों में पीपल की ठंडी छांवों में तेरी से नहीं पाऊं जुदाइयां वे तेरी से नहीं पाऊं जुदाइयां वे
खबर लाता नहीं श्याम की कोई खबर लाता नहीं बिन खबर हमसे रहा चाहता है मेरे श्याम एक खत लिखूं एक खत लिखूं जी चाहता है मेरे श्याम एक पाती लिखूं एक पाती बिन कलम हमसे लिखा जाता नहीं श्याम की कोई खबर लाता नहीं जी चाहता पंछी बनूं जी चाहता है मेरे श्याम एक पंछी बनूं एक पंछी बनूं पंख बिन हमसे उड़ा हमसे रहा जाता नहीं पंख बिन हमसे उड़ा जाता नहीं बिन कलम हमसे लिखा हमसे रहा जाता नहीं बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय बोलिए सतगुरु भगवान की जय बोलिए वांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मेतया तरवो विनेदुष
तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविंदा यत् पद्मनेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। आओ मेरे साथ मंगलाचरण में एकाग्र होंगे। सद्गुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगी जन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन
दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय गिरिराज महाराज जी की कथा तक हम कल पहुंचे, उसके बाद में चीरहरण लीला हुई और भगवान ने यमुना किनारे मुरली बजाई। उस मुरली को सुनकर के गोपियां अपने अपने घर से चल दी। कुछ तो ऐसी थी ये शायद बंदे, कुछ तो ऐसी गोपियां थी कि जिन्होंने सब काम का ज्यों का त्यों छोड़ दिया। वे गोपियां मथुरा वृंदावन की नहीं थी और वो मुरली भी मथुरा वृंदावन में नहीं थी। वो मुरली आज तक भी बज रही है और आज भी जो गोपी भाव में चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जो जीता है वो जैसे ही मुरली की आवाज सुनाई देती है। ये कथा क्या है, मुरली ही तो है। भगवान बांस की मुरली में अपने प्राण फूंकते और जो स्वर निकलता, जो राग निकलता, जो भाव निकलता, उसे सुन के गोपियां आती। और इस वक्ता में भी भगवान ही तो प्राण फूंकता है और इससे जो शब्द निकलते हैं, जो भाव निकलते हैं, उसे सुनकर के भी आप सब अपने घरों से आते हो। भगवान ने जो मुरली बजाई थी ना, ध्वनि तो सब जगह गई लेकिन सबकी समझ में नहीं आई। मुरली सबकी समझ में आई नहीं आई। क्यों नहीं आई? मुरली उसी की समझ में आई जो भगवान को अपना मानता था और भगवान जिसे अपना मानते हैं। ये कथा भी, इसकी ध्वनि तो बड़ी दूर दूर तक जा रही है लेकिन छट छट करके उन्हीं की समझ में आई और वही खिंच करके आए जिन्हें भगवान ने अपना मान लिया और जो भगवान को अपना मानते हैं वही इस मुरली में सम्मिलित होते हैं। कुछ गोपियां थी जिन्होंने
सोचा कि काम भी चलता रहे संसार का और भगवान भी मिल जाए, तो जल्दी जल्दी काम किए। कुछ ऐसी थी जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के बोलो होगा सो देखा जाएगा, हमें तो जाना है। कुछ गोपियों के पति ने रोका तो उन्होंने कहा यदि शरीर से जाने दोगे तो ठीक है, नहीं तो शरीर पे तुम्हारा बस है तो रोक लो, लेकिन प्राण निकल करके चले जाएंगे। ये मुरली है बड़ी खतरनाक, जब ये मन भा जाए ना तो फिर न दुनिया अच्छी लगती है, न संसार अच्छा लगता है, न परिवार, न संबंध, न भोग। फिर तो ये लगता है कि ये मुरली बस मिलती रहे मिलती रहे। लेकिन समस्या उन लोगों के लिए है कि अभी संसार छोड़ने लायक स्थिति है नहीं, और संसार में जिया भी जाता नहीं है, संसार में मन नहीं लगता, लेकिन जीना संसार में ही पड़ता है। ऐसे भक्तों को ये मुरली बड़ी कष्टकारक होती है। लेकिन प्यारे हो, जो दुनिया का जो कष्ट होता है, दुनिया जो कष्ट देती है, उस कष्ट का कोई अंत नहीं होता। लेकिन इस मुरली के लिए, इस कथा के लिए जो कष्ट हमने झेले हैं, ये सारे कष्टों का अंत कर देते हैं, सारे दुखों का अंत करते हैं ये कष्ट। जब संसार के मतलब का ये मन, ये दिल, ये हृदय नहीं रहता, तो संसार वालों से न बात करने में मन लगता है, न उनके साथ जीने में मन लगता है। फिर वो लोग एक बात कहते हैं, पता नहीं इनको जाने क्या हो गया, इनको ये तो पागल हो गए। और प्यारे हो, जब संसार ऐसे कहने लगे तो समझना हमें भगवान की तरफ चलने का सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है। जब तक भगत के होए न हासी, तब तक भगति होए न साची। तेरे नाम की ओड़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सा या के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। गलियन गलियन ढूंढत डोलू, कोई बता दे सांवरिया कहाँ छुप गया, लेकर के दिल मैं तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को बस तेरे दीदार में,
पागल कहता है कोई, ताने सुन कर के भी खुश हूँ उनसे मिलवा दे कोई। ताना मारे कहे खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। भगवान ने रास रचाया, हर गोपी के साथ में एक रूप बना करके, लेकिन गोपियों को अहंकार हो गया कि हम भगवान के कितने नज़दीक हैं। और अहंकार तो किसी का भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान गोपियों को छोड़ करके उसमें से राधा जी के साथ में अंतर ध्यान हो गए। श्री जी को भी जब अहंकार आ गया तो उनको भी छोड़ गए। फिर भगवान को ढूंढने के लिए ये गोपियां रोई हैं। जब कोई चीज सुलभता से और भरपूर मिलने लगती है तो उसकी कीमत थोड़ी कम हो जाती है। भगवान सुलभता से भरपूर मिलने लगे, कीमत नहीं समझी, भगवान चले गए। फिर ये रोई हैं। उस रुदन को सुखदेव जी ने जिन श्लोकों में गाया उसे गोपी गीत कहते हैं। जयति ते धिकम जन्मना व्रज
रो रो करके जब उनके हृदय का मैल धुल गया, अहंकार मिट गया, तो भगवान फिर से उन्हें प्राप्त हुए और राक्षस क्रीड़ा पुनः हुई, जिसमें शिव भी पधारे। रासलीला के बाद में तीन असुर और थे जो भगवान ने समाप्त किए, केशी, वृषभासुर और व्योमासुर। उसके बाद कंस ने देखा कि मेरे पास असुर नहीं है, तब कोई और उपाय किया जाए, तो उसने धनुष यज्ञ रच करके और अक्रूर जी को कहा कि तुम कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आओ और हम यहाँ कोशिश करेंगे उन्हें समाप्त करने की। उधर से अक्रूर जी को भेज दिया कंस ने रथ लेकर के, और इधर भगवान को तो पता चल ही गया कि आज मुझे लेने वाला आ रहा है और आज मैं इस वृंदावन को छोड़कर के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। भगवान को पता था। वृंदावन की लीला का समय समाप्त हो गया, दिन पूरे हो गए, लेकिन मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊंगा, मैं अपने सखाओं को, इन गोपियों को कैसे समझाऊंगा, कैसे इनको बताऊंगा कि मेरी आगे की लीलाएं अभी बाकी हैं। भगवान समझ नहीं पा रहे थे, बड़े उदास थे। आज वो गैया चराने गए तो और दिन की तरह न खेल रहे थे, न उछल रहे थे, न बोल रहे थे, आज बड़े उदास। भगवान एक कदम के पेड़ के नीचे लेट गए। एक सखा आया भगवान का, तोक नाम का, उसने कहा ए लाला चल खेलेंगे, और इतना कहते ही तो लाला की आंखों में पानी आ गया। जैसे कोई बेटी की शादी हो तो वो जिसको भी देखती है, जो जिससे भी बोलती है, उसे देख करके रोना आता है कि ये सब छूट जाएंगे, ये सब मुझसे दूर हो जाएंगे। जैसे उसने कहा कि लाला चल खेलेंगे, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कोशिश की रोकने की, लेकिन तोक को दिख गए। उसने कहा लाला तेरी आंखों में आंसू? बोले कोई बात नहीं है। वो देख करके चला गया। उसने ग्वाल वालों से कहा कि आज लाला की आंखों में आंसू हैं। कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, मैं फरीदाबाद में, आज मुझे सातवां दिन है और मेरी आपसे कोई फेस टू फेस मुलाकात भी नहीं हुई। ज्यादा मैंने भगवान की कथा तुम्हें सुनाई है। भगवान की कथा सुनाने वालों से सात दिन में तुम्हें इतना लगाव और इतना प्रेम हो सकता है? तुम्हारा मन नहीं करता होगा कि ये कथा बंद हो जाए, ऐसा लगता होगा कि ये कथा चलती रहे और जीवन यों ही गुजर जाए। जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, हिल मिल सारा जन्म बिताए, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल सारा जन्म बिताए। भगवान के सखाओं को, वृंदावन वासियों को भगवान से कितना लगाव हुआ होगा, इसको सोचना मुश्किल है। जो दिनों रात संग खेले, संग सोए, संग रहे, हम और तुम तो कहां संग रहे हैं। मैंने 2 घंटे तुमको भगवान की कथा सुनाई है, बस
वे सब ग्वालवाल भगवान से आकर के लाला लेटे हैं कदम के पेड़ के नीचे, सोच रहे हैं क्या करना। सब लोग आए और आकर के जैसे ही भगवान ने देखा तो आंसू रुके नहीं और निकल पड़े। उन्हें पता है कि कल जाना है, छोड़ करके सब अरे कनुआ तेरी आंखों में आंसू, क्या बात है, अरे हमें तो बता। भगवान ने कहा सखाओ एक बात बता, यदि हम तुम कभी बिछुड़ गए, जिंदगी हमारी ऐसी किसी मोड़ पे आई और अलग अलग ले गई हमको, तो इतना कह नहीं पाए भगवान। तब तक तो एक मधुमंगल नाम का सखा था, उसने हाथ रख दिया मुंह पर। उसने कहा लाला ये बात अब कभी कहना नहीं, जब तक तू नहीं मिला था तब तक तो जिंदगी में हम जी ही रहे थे, अपना काम करते, अपना सब खाते पीते, सब काम चल रहा था। लेकिन अब जब से तू मिलाए और तेरे से मन मिलाए ना, अब दुनिया तेरे बिना अच्छी नहीं लगती, अब तेरे बिना संसार में ऐसा लगता है कुछ नहीं रखा। शाम हो गई, गैया हांक दी है वृंदावन के लिए, लेकिन आज सब शांत है। एक गोपी रोजाना ऊपर से फूल डालती थी भगवान के ऊपर, भगवान उसे देखते थे, वो बड़ी गदगद हो जाती थी कि भगवान ने मुझे एक दृष्टि देखा। आज उस गोपी ने फूल डाला लेकिन भगवान ने ऊपर नहीं देखा। भगवान को लगा कि इसे देख के मुझे रोना आ जाएगा तो ठीक नहीं होगा। अभी हम कह रहे थे जब बच्चे की विदाई होती है ना तो उसे सब अपनी बातें याद आती, ये मेरा कमरा, ये मेरा आंगन, ये मेरी तुलसी, ये मेरे खिलौने, ये मेरे चाचा ताऊ, ये मेरी बहन छोटी, वो सब ऐसा लगता है सब छूट रहे हैं। ऐसा ही भगवान को लग रहा है। गाय गौशाला में बाड़े में बंद करी, काका अक्रूर जी उधर आए, उनसे मिले और काका से कहा भगवान ने, काका मुझे पता है तुम मुझे लेने आए हो, लेकिन अभी मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि मैया ने भी रोना शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल होगा संभालना, अभी मैया को मत कहना बाबा। ठीक है, लेकिन कोई बात छुपती है क्या, न जाने कहां से खबर फैल गई और रात्रि के अंधेरे में ही सब ब्रजवासी गोपी और ग्वालवाल रोते रोते और यशोदा के द्वार पर। गोपियों ने कहा जाकर के इससे कहो कृष्ण से, हे सखाओ, तुम तो उनके सखाओ ना, कि हम पे कोई गलती बनी है का, हमें छोड़ के वो क्यों जा रहा है, अरे अपने साथ साथ रहेंगे जीवन कितना अच्छा गुजरेगा, हम पे कोई गलती भई हो तो हम क्षमा मांगती हैं, अब कभी दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन वो हमें छोड़ करके न जाए। ग्वालवाल गई भगवान के कमरे में, भगवान बैठे थे, जैसे ग्वालवाल आए सबसे लिपट गए एक दूसरे से, सबको पता लग गया कि भगवान जाने वाले हैं। सबको समझाया, इधर गोपियों के रोने की आवाज माँ यशोदा के कमरे तक चली गई और माँ यशोदा निकल करके जब दरवाजे पर आई तो गोपियां रो रही थीं। कभी यशोदा को कुछ नहीं पता, अरे गोपियों तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, क्या हुआ। तब एक गोपी ने कहा अरे यशोदा तेरे को कुछ पता नहीं कितनी बड़ी दुर्घटना हमारे जीवन में घटने वाली है, अरे बताओ तो सही बात का है। तब एक गोपी ने कहा श्याम सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए,
ना ऐसो कीजियो। सुभोर कबहूं नहीं हो। अरे यशोदा अक्रूर है ना, वो हमारे कन्हैया को लेने के लिए आया है, हमसे छीनने के लिए। हम तो ब्रह्मा जी से विधाता से प्रार्थना कर रही हैं कि यदि कल का दिन ऐसा हो मनहूस हमारे लिए कि भगवान को छीनने वाला, तो ऐसा दिन हमारी जिंदगी में कभी ना आए, हम पूरी जिंदगी रात में गुजार लेंगे। मेरे लाला को लेने अक्रूर आया? अरे किसने परमिशन दे दी उसे मेरे लाला को लेने की? और मुझे पता ही नहीं। उस माँ को तो एकदम झटका लगा और बोली, मैं सीधे पहले लाला से पूछती हूँ, ये मेरे बिना पूछे क्या प्लानिंग चल रही है। और जब माँ के कमरे में लाला के कमरे में माँ गई रोती रोती, लाला ने खड़े होकर के माँ के चरणों में अपना माथा टेका और पता है भगवान की आंखों में आंसू आए और आंसुओं से माँ के चरणों को धो दिया। और जब मैया ने लाला की आंखों में आंसू देखे तो माँ समझ गई कि जो मैं सुन रही थी ना वो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लाला मैं ये क्या सुन रही हूं, क्या ये बात सही है? भगवान ने कहा, माँ एक दिन सबको दूर होना पड़ता है, सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे माँ बेटी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे बाप कोई भी हो, एक दिन सबको बिछड़ना है। मैया मेरी प्रेम की लीलाओं का जो समय था वो समाप्त हो गया है, अब मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे जाना है। माँ मैं तेरा आशीर्वाद चाहता हूँ। कर मन सो मिले वो भयो, कर्म ही तो बिछुड़ा। कर मन सो मिले वो भयो, कर्म ही तो मैया को तो बहुत बड़ा झटका लगा कि आज ये कैसी ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है, ऐसी तो बातें इसने कभी नहीं की थी। एकदम माँ को बच के बचपन में एक पंडित जी ने कहे हुए जो वचन थे वो याद आ गए। बोली, लाला मुझे लगता है वो पंडित जी का कहा हुआ आज सत्य हो रहा है। क्या? बोले, तेरा हाथ देख करके एक पंडित जी ने कहा था कि अरे यशोदा तेरा लाला तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन पंडित जी ने ये भी कहा था जब ये राजा बनेगा ना तो तू हमेशा हमेशा के लिए इसे छूट जाएगा, तेरे हाथों से छिन जाएगा, तू इसके पास नहीं होगी और ये तेरे पास नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं वही दिन तो नहीं आ गए। भगवान ने कहा, मैया पता नहीं। माँ ने थोड़ा सा सोच समझ करके अपने हृदय को समझाया और कहा, जब मेरे बच्चे के अच्छे दिन आ रहे हैं तो मैं बाधा क्यों डालूं, क्योंकि माँ की खुशी तो बच्चे की खुशी में होती है ना। तब मैया ने कहा, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे, मेरी खुशी तो तेरी खुशी में। पर एक बात कहूं? बोले, हाँ। तू राजा बनेगो ना, तेरे महल होंगे, दास और दासी होंगे। एक काम नहीं हो सकता कि जब दास और दासियों की जगह कोई तेरे कोने में खाली हो महल के में, तो तेरे बाबा और तेरी मैया दास और दासी की जगह नहीं रह सकते क्या?
हम कभी नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं। हम दासी की सेवा करके और तेरे दर्शन कर लिया करेंगे, बस तेरे दर्शन से हमारा मन भर जाएगा। हम कभी हक नहीं जताएंगे तेरी माँ का। तू नहीं जानता कि अब तेरे बिना इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इस संसार में जीने का कोई अर्थ नहीं है। मैया तू दासी की बात कर रही है, मैं तेरा ऋण तो कभी नहीं चुका सकता, तेरा ऋण मैं कभी भूल नहीं सकता। ऋणिया तेरो श्याम कहावे। तू दासी की बात करती है, मैंने तू मेरी पूज्य है माँ, तूने तूने मुझे इतना बड़ा किया है माँ। तू दासी की बात करती है, और माँ से बड़ा दर्जा किसी का होता है क्या? अरे ऋणी तो मैं हूं, कर्जदार तो मैं हूं, कि जब सेवा करने लायक हो रहा हूं तब मैं तेरे को छोड़ करके जा रहा हूं। माँ मुझे क्षमा करना, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ूं और तेरा नाम रोशन करूं। ठीक है बेटा, जा तू जहां रहे सुखी रहे, भगवान से लिपट पड़ी है माँ। भगवान को माखन खिलाया, दही खिलाई, शकुन मनाया, मोर मुकुट बांधा और माथे को चूमा और बोली, भगवान मेरे इस बच्चे को सदा सुखी रखना, जा। भगवान ने देखा कि मेरे सखा कहाँ है, जो भगवान की मां के चोरी में जो साथ रहते थे उन सखाओं से एक एक करके प्रभु मिले, लिपट लिपट के सब रोए और सब बातें याद आने लगी भगवान को कि ये मेरे साथ वहां ऐसे, इससे लड़ाई हुई थी, इससे झगड़ा हुआ था, इसके साथ मां के चोरी करी थी, ये रूठता था, मैं मनाता था। एक एक से भगवान मिले, लाला ने देखा कि मेरे नंद बाबा कहाँ हैं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। नंद बाबा की तरफ गई, प्रणाम किया और बाबा ने उठाकर गले से लगा लिया कन्हैया को। दोनों लाला और बाबा एक दूसरे से लिपट गए। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बे जिसके प्रेम में सब कुछ भूला थी वह वस्तु पराई हो। वो कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला जाए ना राई हो। कृष्ण की बातें, वो कृष्ण की लीला जाए ना विसराई हो।
काका अक्रूर ने कहा, लाला चलो अब रथ पर बैठो, देर हो रही है। भगवान रथ पर बैठे हैं अक्रूर जी के साथ में, और थोड़ी दूर रथ चला, आगे गोपियां लेटी हुई थी, भगवान ने उनको खड़ा किया, समझाया। पीछे से सब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, यशोदा भी दौड़ी दौड़ी आई, लेकिन आकर के बेहोश हो गई माँ यशोदा। लाला ने फिर रथ से उतरकर माँ को उठाया और कहा, माँ मैं तेरो लाला, देख तेरे पास में हूँ, आंखें तो खोल। और मैया ने बहुत देर बाद जैसी आंखें खोली तो दोनों किनारों से टप टप आंसू गिरने लगे, और लाला को सामने देखा, हाथ जोड़ करके बोली, लाला मैं तुझे रोकूंगी नहीं, मेरी तो दुआ मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू जहां रह सुखी रह। एक प्रार्थना है मेरी बेटा। हाँ मैया, मेरे हृदय में एक दर्द है, एक परेशानी, एक सूल चुभता है, मुझे एक कष्ट है बेटा, तू चाहे तो वो मिट सकता है, बताओ माँ। एक दिन तूने मेरी माखन की हड़िया फोरी थी ना, हाँ, एक छोटे से नुकसान पर मैंने अपने लाला को पूरे दिन उखल से बांध के रखा, मैंने इतना कठोर काम किया। उस दिन की याद जब आती है तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तुझे छोटे से नुकसान पर पूरे दिन बांधा, मेरे इन हाथों ने तेरे को सहज से बांध दिया। अब मैं जब वो याद करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्या वह मेरी गलती क्षमा कर सकता है तू? मैया तेरे हाथ के बांधने में मुझे जितना अच्छा लगा, इतना अच्छा तो मुझे कभी कहीं नहीं लगा, जितना सुख तेरे उस बंधन में, तेरे उस प्रेम में है, इतना सुख तो मुझे दुनिया में आज तक कभी कहीं नहीं मिला। माँ वो तेरा प्यार कभी नहीं भूल सकता मैं। ठीक है, अब तू जा, अपना ख्याल रखना। और एक बात और है, जब कभी तो माखन को मन चले तो तू मेरे पास सूचना भेज देना, मैं तेरे लिए माखन भेज दिया करूंगी। कितना निर्मल और पावन है बेटे का नाता, नौ मास गर्भ में धरती उष्मा को शीश झुका, जितने भी ये रिश्ते होते हैं ना, उन सब में जो माँ का रिश्ता है, ऐसा इस धरती पर कोई रिश्ता नहीं है। माँ के रूप में दूसरा परमात्मा होता है, और जितने संबंध होते हैं उसमें स्वार्थ होता है। कोई बेटा कहीं परदेश में रहता हो और वो घर फोन करे, छुट्टी ले मिल गई हो और पूछे किस किस के लिए क्या क्या लाना है, तो सब बता देंगे अपनी अपनी फरमाइश। बहन बता देगी, पत्नी बता देगी, बच्ची बता देगी, बच्चे बता देंगे कि ये ले आना मेरे लिए, ये ले आना मेरे लिए, ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है, माँ मुझे छुट्टी मिली है और मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे लिए क्या लेकर के आऊं, और सबने तो मुझे बता दिया, तो माँ कहती है, सबसे कीमती वस्तु मेरे लिए तू है, और तू जल्दी आ जा, तुझे छुट्टी मिल गई है ना, कब आएगा? परसों? परसों तो बहुत लंबा हो जाएगा, और तू जल्दी आ जा। वैसे मेरे आत्माओं काम नहीं कर रहे, पर मैं तेरे लिए दो रोटी जरूर बनाऊंगी, तू आ जा। जब घर आ जाएगा, छुट्टी काट के जाएगा ना, तो उसके लिए टिफिन बना के रख देगी, टिफिन
और कहेगी टाइम से खा लेना, ऐसा करना वैसा करना। और जब घर वाले उसके सामने थाली परसते हैं तो टूका मुंह तक जाता है, लौट आता है। बहू बोली, क्यों माता जी क्यों नहीं खा रही है? पता नहीं उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, पता नहीं कहाँ पहुंचा होगा, अब जाने कब आएगा। इन बड़ी बूढ़ी माताओं को कहीं से साड़ी मिले, कहीं से कुछ सामान मिले, तुरंत रख लेंगी कि मेरी छोटी छोरी के लिए हो जाएगा, ये मेरी बड़ी छोरी के लिए हो जाएगा। अपने लिए कभी कुछ नहीं करती माताएं, स्वार्थ की गंध नहीं है सुनाती मैं। दोबारा से भगवान रथ पर बैठे और रथ चलने लगा। एक गोपी पेड़ पर चढ़ गई, भगवान के रथ को देखती रही। और जब रथ का दिखना बंद हो गया तब उसे बेहोशी आने लगी। उसे लगा कि मैं मूर्छित हो गई, मेरे हाथ छूट गए तो मैं गिर जाऊंगी। उसने ब्रह्मा जी से कहा, अभी मुझे मत मारना, अभी मैं मरना नहीं चाहती, मुझे दोबारा भगवान का दर्शन करना है। लेकिन वो बेहोश होती चली जा रही थी। उसने देखा कि मैं गिर गई तो मर जाऊंगी, ब्रह्मा जी तो मान नहीं रहे। तब उसने कौआओं से प्रार्थना करी, कागाओं से। कागा ये तन खाइयो, चुने चुने चुगियो मास, ये नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दर्श की आस। और रथ जब आगे बढ़ा तो कोई गोपी कहीं गिरी, कोई गोपी कहीं गिरी। अब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एक दूसरे से बोल नहीं रहे। वृंदावन में एक अलग सा मातम छाया हुआ है। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन मिलके बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे अपने पराए हो जाए, एक दिन अपने पराए हो जाए, एक दिन कैसी ये दुनिया गिरी तेरे रीत रे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में बदलता है क्यों, बदलता है क्यों, प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू को आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों, सपने संवर के, सपने संवर बिखर जाने, एक दिन कैसी ये दुनिया रीत रे, रीत रे। विदाई के माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है, ये आंखों पर तो
सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, साथ झूठे भले साथ झूठे भले प्यार टूटे नहीं, लगी दिल की दिल से तो टूटे नहीं, टूटे नहीं, अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, किसने बनाई तेरी वसुदेव देवकी को जेल से निकाला, नाना उग्रसेन को जेल से निकाला है। अब देवकी मैया जो है वो सेवा करती है माँ यशोदा की जगह पर। एक दिन भोजन की थाली लगा करके माँ लाई, इनके चचेरे भाई हैं उधो, दो थालियां आई दोनों भाइयों के लिए। लेकिन जैसे ही थाली सामने आई, भगवान की आंखों में आंसू आ गए, थाली खिसका दी और ऊपर छत पर चले गए और वृंदावन की तरफ मुंह करके भगवान रोने लगे। देवकी को बड़ा दुख हुआ। उद्धव से कहा, भैया ऐसे पूछो क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, ये क्यों दुखी रहता है, हमारी सेवा में क्या कमी है, इसे पूछो। उद्धव छत पे गए, कहा, केशव तुम ऐसे मोह ममता में फंसे हो वृंदावन वासियों की में,
कन्हैया ने कहा मुझे नहीं पता उदो भैया मोह है कि प्रेम है, भाव है कि ममता है, लेकिन वृंदावन वासी मेरे लिए इतना रोते हैं, उनका रोने से मुझे यहाँ रोना आता है, यदि उनका वहां रोना बंद हो जाए तो मेरा यहाँ रोना बंद हो जाए। एक काम हो सकता है कि तुम उनका मोह दूर कर दो तो मेरा रोना बंद हो जाएगा। उद्धव प्रेम को नहीं मानता था, भक्ति को नहीं मानता था, ज्ञानी था। भगवान उसे प्रेम की शिक्षा, प्रेम की दीक्षा दिलाना चाहते थे। उद्धव भैया तुम जाकर के मेरी वृंदावन के ब्रजवासियों को ज्ञान दे दो ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा और उनका मोह दूर कर दूंगा। चलो नीचे थारी रखी है, भोजन करो। भगवान ने कहा मैं भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मेरी देव की मैया से एक बात कहो, मेरी थाली में कभी माखन न रखे। क्यों? बोले जब भी मैं माखन को देखता हूँ, माखन के दर्शन करता हूँ, तो मुझे अपना ब्रज, अपना वृंदावन, अपनी गोपियां, अपनी गैया, वे सब याद आ जाते हैं। फिर मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता। मेरी गोपियों की जो सेवा थी ना, मेरी मैया की जो सेवा थी, मैं उसे कैसे भूल पाऊं? और ऊपर से फिर माखन थाली में और दिख जाए तो मैं कैसे बोलाऊं? उदो भैया हाँ ठीक है, चलो माखन आज के बाद तुम्हारी थाली में नहीं होगा। भोजन किया, दूसरे दिन उधव वृंदावन चला है। मथुरा से जब चले उधव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जब पहुंचा वृंदावन में, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम। गोपी यमुना से बात कर रही है, भंवरों से बात कर रही है, सिर्फ कृष्ण की बात हो रही है, हर बात में कृष्ण है, कृष्ण है। उद्धव तो पागल हो गया, बड़ा ज्ञानी बनता था। एक जगह देखा एक गोपी बैठी थी यमुना किनारे, नारद बाबा प्रकट हुए, उद्धव दूर से दृश्य देख रहा था। अरे बाबा प्रणाम, मैं गोपी आपको प्रणाम करती हूँ बाबा। बाबा मैं एक दुखियारी हूँ बहुत, मेरे पे कृपा करो। उद्धव ये सब संवाद सुन रहा था। क्या बात है गोपी? बोले बाबा वो कृष्ण को, वो नंद को जो छोरा हो ना, वो है मेरे हृदय में बस गया, और उसके बसने से मैं संसार के मतलब की नहीं रही, और संसार छोड़ने लायक अभी मेरी क्षमता नहीं है। अब मैंने इधर की रही ना उधर की रही, बाबा ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा जीवन की ये दुविधा मिट जाए। नारद जी तो पागल हो गए, बोले जिस परमात्मा को दिल में बसाने के लिए लोग न जाने कितने साधन करते हैं, और वो जबरदस्ती तेरे हृदय में बसा हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? बंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणु मवीक्षण सह याशा हरि कथोद गीतम पुनाति भुवन त्रयम। इन गोपियों के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूं, उद्धव कहता है। इन गोपियों के चरणों की रज की वंदना करता हूं,
कि जिनके हृदय में परमात्मा साक्षात आके जबरदस्ती बैठ गया है और इनका दर्शन और इनका कीर्तन तीनों लोकों को पवित्र कर रहा है, इन गोपियों के चरणों की रज को बार बार प्रणाम। अब तो उद्धव पागल हो गया। एक जगह गोपियों का झुंड यमुना किनारे बैठा था, उसमें बीच में श्री जी बैठी, वहां उद्धव गया और प्रार्थना करने लगा। पहले तो इसने अपना ज्ञान थोड़ा सा झाड़ने की कोशिश की, जिसके लिए आया था कि तुम जिसके लिए मोह में रोती हो वो तो सर्व व्यापक है, तुम्हारे हृदय में भी है, क्यों रोती हो, सदा सब जगह है वो। गोपियों ने कहा, उद्धव भैया हमें ऐसे ब्रह्म की जरूरत नहीं है जो व्यापक है, हमें तो वही चाहिए जो हमारे साथ खेलता था, हमारी मटकी फोड़ता था, हमारा माखन चुराता था, हमारी गोबर की हेले उठवाई, जिसने हमारे हृदय की बात जिसने सुनी, हमें उसकी जरूरत है, उपदेश की नहीं। आखिर में एक गोपी ने प्रश्न कर दिया, उद्धव भैया एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? बोले मैं तो अद्वैत को मानता हूं। बोले अद्वैत का मतलब क्या होता है? बोले एक के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो बोले एक के अलावा कोई दूसरा है नहीं तो फिर तुम उपदेश किसको कर रहे हो? तुम्हारी दृष्टि में कोई दूसरा होगा तभी तो उपदेश होगा, तुम उपदेश किसको कर रहे हो? जब ये बात उद्धव ने सुनी तो उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो गांव की गमारिन और ग्वालिन और समझ रहे थे वो वैसे ही गुजरी हैं ये तो, लेकिन जब ये बात सामने आई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और एकदम चरणों में समर्पित हो गया उद्धव। कहता है, सरस किशोरी वयश किशोरी रति रस बोरी कीजे कृपा आए।
दीर्घ भर आवत मैं हो प्रेम विभोर श्री राधे की जय कृपा की कोर। उद्धव के ज्ञान का अहंकार दूर कर दिया और गोपियों ने उपदेश दिया। उद्धव जी भजन करो भगवान को, चार वेद को सार यही है, तत्व अठार पुराण को। भजन करो भगवान को, सुनि सुनि बोल पिघल गयो उधो जो पुतलो बर्फान को। छूटन लगी प्रेम की धारा, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। भजन करो भगवान। उद्धव के हृदय में ये बात बस गई। उद्धव आया तो दो ढाई घड़ी के लिए था, लेकिन छह महीने हो गए। अब तो वृंदावन छोड़ने का मन ही नहीं होता। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अब मैं वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी बाहर रखना नहीं चाहता। लेकिन गोपियों ने कहा, उद्धव भैया श्याम का संदेश तुमने हमें सुनाया, पर अब हमारा संदेश भी तो श्याम को सुनाओ। हमारा हमारा मन का भाव, हमारी पीड़ा जाकर के भगवान को कहो, तभी तो तुम दोनों तरफ के संदेश वाहक माने जाओगे। तब गोपियां अपनी व्यथा कहती, ओ निर्मोही घर लौट के आना, वादा किया था वादा रोता है, कभी रोता।
हम हंसना हंसाना वादा किया था वादा आके निभाना हो तेरी याद सताती है सुनी सुनी आंखों में काली काली रातों में का